स्टूडेंट हवा, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज पढ़ते हैं सरलीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ट्रिकली करते हैं, इनको ध्यान रखना। यदि अपने पास जैसे कोई सीरीज होती है, क्या होती है अपने पास कोई सीरीज, लगातार वही संख्या चले और इनके बीच में जो गुणा का सिंबल बना रहे, लगातार चले, अनंत तक चले, उस सीरीज का जो आंसर होगा वह खुद ही होगी। इसका मतलब दो का दो ही रहेगा। ये सीरीज लगातार चल रही है, इसका मतलब क्या रहेगा भाई दोस्तों, पाँच का पाँच ही रहेगा। यह सीरीज लगातार कहाँ तक चल रही है, अनंत तक चल रही है, इसका मतलब कितना हो गया, तीन ही हो गया। यह सीरीज जब अनंत तक चल रही है इसका मतलब इसका भी कितना हो गया, नौ हो गया। कोई भी नंबर हो सकता है, 10, 11, 15, 20, कितने भी नंबर हो और लगातार कहाँ तक चले, अनंत तक चले, उनके बीच न तो प्लस न माइनस का सिंबल हो, न बा का सिंबल हो, तो इसका आंसर सदैव क्या होता है दोस्तों, वह के वही होता है। यदि सीरीज अपने पास अनंत तक नहीं चलती है, कहाँ तक नहीं चलती है, यदि सीरीज आपके पास अनंत तक नहीं चलती है, उन सीरीजों का भी अपन आंसर बता सकते हैं। ध्यान रखना है, अनंत तक नहीं चले, अनंत तक नहीं चले, तब ध्यान रखना है आपको दो, दो की पावर वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन मानते हैं। यहाँ क्या होता है अपने पास आधार होता है, आधार का मतलब क्या होता है, वह संख्या कौन सी है। तो अपने पास एन, एन का मतलब क्या होता है, संख्या कितनी बार आई है, कितनी बार आई है, संख्या कितनी बार आई, एन का मतलब क्या होता है, कितनी बार आई है। जैसे रूट दो, रूट दो, रूट दो, तो आया है तो अपने पास रूट दो, रूट दो, रूट दो, कितनी बार आया, दो, तीन बार आया है। एन का मान कितना हो गया दोस्तों, अपने पास एन का मान कितना हो गया, तीन हो गया। तो अपन को ध्यान रखना है इस हिसाब से, आधार कितना अपने पास, दो, दो की पावर वन माइनस वन अपॉन क्या है, टू की पावर एन, एन का मतलब कितना हो गया, थ्री, टू की पावर एन का मतलब क्या हो गया, थ्री, एन का मतलब वैल्यू कितनी है, तीन। तो यहाँ से ध्यान रखना अपने पास दो की पावर एक में से एक बटा ये कितना आएगा, आठ, दो की पावर तीन का मतलब क्या होता भाई, आठ, आठ, ये इसे घटेगा, आठ माइनस एक तो कितने हो जाएगा, दो की पावर सात बटे आठ आंसर आ जाएगा। फिर ये अपने पास सीरीज है, इसमें दो दो की चार, चार कितनी बार चला है, दो बार चला है, आधार दो की पावर दो का मतलब क्या हो गया, चार, आधार कितना अपने पास, आधार अपने पास चार अब की बार, चार, तो चार की पावर वन माइनस वन अपॉन फोर हो जाएगी, क्योंकि दो की पावर दो का मान कितना होता है भाई, चार होता, नहीं होता है चार, तो कितना हो जाएगा, चार की पावर तीन अपॉन चार आंसर हो जाएगा। यह सीरीज कहाँ तक चल रही है, अनंत तक चल रही है, ये कितने चल रही है, चार नंबर तक चल रही है, एन का मान कितना हो गया भाई, चार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार चला, तो एन का मान कितना हो गया अपने पास, चार हो गया। तो ध्यान रखना दो की पावर चार कन्वर्ट करेंगे तो दो की पावर चार का मतलब क्या होगा, सोलह। तो ध्यान रखना अपने पास आधार कितना है, दस, तो सोलह में से एक कम होगा हर टाइम में, सोलह में से एक कम हुआ तो कितना, पंद्रह, पंद्रह बटे सोलह आंसर आ जाएगा। घात कितने की, पंद्रह बटे सोलह आंसर आ जाएगा। यह सीरीज कितनी बार चली, दो बार, दो की पावर दो, इसका मतलब क्या होगा, चार, नौ की पावर क्या लग जाएगी, नौ की पावर इसमें से पावर कम कर दो, चार, तीन, तीन बटा चार लग जाएगी। इस टाइप से हमें सीरीजों का आंसर बता सकते हैं। तो लगातार चले, अब करने वाले हैं जो प्लस में चले, माइनस में चले, भाग में चले, इस टाइप के क्वेश्चन में चुटकी में अंदर हले करते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब।